जी हम बात कर रहे हैं देवास जिले के तहसील सोनकच के पास नगर पिपलरावा के समीप स्थित ग्राम टांडा अमरोह, जहां पर आज़ादी के 74 साल के बाद भी नहीं बनी सड़क। कई सरकारें आई और कई गई, जिसके बाद भी ग्रामीणों का आरोप है कि कई सरकारें आई कई गई जिसके बाद हमारे ग्राम टांडा अमरोह से पिपलरावा तक की सड़क अभी तक नहीं बनी। और हर बार सरकार आती है और बोलती है कि टांडा अमरोह से पिपलरावा तक की सड़क बन जाएगी, पर ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक सड़क नहीं बन पाई। जब हमारे रिपोर्ट साजिद पठान ने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों का उनका कहना है कि हमारे ग्राम की सड़क देवास और शाजापुर दोनों जिलों में आने से अभी तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया। अब मैंने अमेरिका में जाकर कह दिया कि अमेरिका वालों तुमने सड़क बनाई होगी, लेकिन हमने भी तुमसे अच्छी सड़क बनाई है। तो कांग्रेस के लोग गुस्सा हो गए कि मुख्यमंत्री कह रहा है मध्य प्रदेश की सड़क अमेरिका से अच्छी है। आज अनूपपुर से लेके और हम कोतमा तक आए, मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारी वो सड़क भी अमेरिका से कम नहीं है। हमें किसी चीज की जरूरत होने पर पिपलरावा जाना होता है और सड़क की लंबाई है 5 किलोमीटर। बारिश में हमें बहुत दिक्कत आती है, हमें एक कील के लिए भी पिपलरावा जाना पड़ता है और सभी स्कूल के बच्चे भी इसी रोड से जाते हैं, कभी कभी तो कीचड़ में भी गिर जाते हैं और आए दिन स्कूल जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा वाशिंगटन के और सड़कों पर चल के आया तो मुझे लगा कि अब मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा बेहतर हैं। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमने लगभग 2.25 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में बनाई। सारे गाँव को हमने सड़कों से जोड़ने का काम किया है, रोड कनेक्टिविटी हमने सारे गाँव को दी है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, रोड कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी होती है और गर्व भी होता है कि भारत की आर्थिक विकास दर 7% से ज्यादा आज है। स्कूल के जो वाहन है वह भी बारिश के कारण कीचड़ हो जाने से फंस जाते हैं, कभी कभी तो स्कूल के वाहन भी नहीं आते हैं और हमें डिलीवरी के टाइम भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कीचड़ हो जाने के कारण हमारे वाहन फंस जाते हैं या फिर सुंदर सी जो कि 20 किलोमीटर दूर है वहां जाना पड़ता है या फिर शाजापुर जो कि 45 किलोमीटर दूर है वहां जाना पड़ता है। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि हमारे देश की सड़कें अमेरिका से भी बहुत अच्छी है। हर ग्राम वालों का कहना है कि एक बार सीएम शिवराज सिंह चौहान हमारे ग्राम से पिपलरावा तक जाकर बताएं, तब पता चलेगा कि हमारे देश की सड़कें अमेरिका से भी अच्छी है या उससे भी बदतर हाल में है। ग्राम वालों का कहना है कि हमने कई मीडिया कर्मी और कई पत्रकार द्वारा इस मुद्दे पे रोड का मुद्दा उठाया है और उसके बाद भी सरकार की कानों तक जू तक नहीं रेंगी। अब तो देखना यह है कि सरकार की कानों तक जू रेंगेगी या नहीं, या हम ऐसे ही कच्चे रास्तों से चलते रहेंगे या फिर सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। समस्या यह है कि स्कूल जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि कई मंत्रियों को हम ज्ञापन भी दे चुके हैं, आश्वासन भी दिया, पर आज तक काम नहीं हुआ। कभी भी किसी मंत्री, मतलब ये आज़ादी क्या 70 साल क्या, जब से रोड यहाँ पे हमने जितने भी हुआ सब ग्राम पंचायत या ग्राम के लोगों ने चंदा कर करके इसमें मुरम डाला, बाकी मुरम भी नहीं था इसमें, बाकी कीचड़ वगैरह भी था इसमें, कोई बहुत प्रॉब्लम है इसमें, ऐसी समस्या रहती है रोड में। अब अगर हमने तो अभी तो आज ही तोड़ दी, सबसे बड़ी बात तो ये तोड़ ही दी है, क्या फ़ायदा ही नहीं है, कहीं सरकार चलेगी आज ये रोड के लेकर। भाई साहब हमें 70 साल आज़ादी के बाद भी आज हमारे गांव का जो रोड देखोगे आप तो बिल्कुल कीचड़ से भरा हुआ मिलेगा। आज देश में कई सरकार बदलती रही प्रदेश में, लेकिन दोनों सरकार ने ये रोड अभी तक नहीं किया है। आज हमारे गाँव से जो भी काम हमारे को बाज़ार का है, मंडी का है, सब सोनकच और पिपलराव से जुड़ा हुआ है। इसमें बच्चे भी पढ़ाई करने के लिए पिपलराव जाते हैं, तो कई सारे बच्चे ऐसे बालक बच्चे हैं वो जो जा नहीं पाते कीचड़ के कारण। सोनकच से साजिद पठान की रिपोर्ट।